मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया था। हां सो यू रिकॉग्नाइज योर प्रिविलेज देयर दो। या आई डू रिकॉग्नाइज इट। मेन एंड वुमेन आर नॉट सपोज्ड टू कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। दे आर नॉट मेंट टू कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। व्हेन फेमिनिज्म कम्स इनटू द पिक्चर वी आर ट्राइंग टू से कि 10 लोगों में से 8 लोगों को अगर ये लग रहा है कि उनको कई काम करने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि दे आर गर्ल्स, दैट्स रॉन्ग। ये जो वर्ड है ना कैटफाइट, मेरी लाइफ में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हाय दिगंगना, स्वागत है आपका मेल फैमिली में। कैसी हो आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दिगंगना के साथ चाइल्डहुड की बात करते हैं। अरे बेशक। कैसा था आपका, ऐसा ओनली चाइल्ड थी आप तो? व्हाट वाज द ग्रोइंग अप यूर लाइक? वेरी पैम्पर्ड ऑफ कोर्स। यार मुझे ना, मैंने कभी माना नहीं कि मैं बच्ची हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मतलब मैं अपने दिमाग में हमेशा से बहुत ही ग्रोन अप थी। मुझे हर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहना है। कोई डिस्कशन हो रही है, मुझे भी बिठाओ, और मुझसे क्यों नहीं पूछा मेरा ओपिनियन क्यों नहीं लिया। वो तो बचपन में काफी लोगों के साथ होता ही है ना, एंड मुझे इंक्लूड किया भी जाता था। वो फिर एक अच्छे परिवार की और एक अच्छी अपब्रिंगिंग की वो हो जाती है। हाँ, लाइक मम्मा पापा बहुत क्लियर थे बिगनिंग से कि अगर मुझे सी, मैं कभी बोर्डिंग या ऐसे स्कूल्स में नहीं रही। बट काम क्या ऐसा होता था कि जो आपको, बिकॉज़ हमने जिन लोगों से बात की उनके सिब्लिंग्स रहे ही हैं, भले ही लड़का हो या लड़की, तो ऐसा था कि लड़कियों के इतने काम होते हैं, वही काम आप कर आपके थ्रू करे जाए जाते थे? मैंने काम तो कोई किया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? डेफिनेटली नहीं किया। आई रिमेम्बर समर वेकेशंस पे कभी कभी कजन्स आते थे ना, तो उनकी मम्मियाँ या इवन गाइज फॉर दैट मैटर कि टेबल साफ कर दो या थोड़ा सा तो कुछ करो, तो मेरा तो ये था कि अपना कप रख के मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कोई आएगा पिक करने के लिए, यू नो। सो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में वो थोड़ा सा मजाक सा बन गया था कि शुभी कुछ नहीं करती एंड ऑल दैट। घर पे ऐसे कि मैं कितने ही साल की हूँ, मेरा ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई सवाल पूछा है तो पापा जब तक उस सवाल का जवाब नहीं देंगे वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो पहले मेरे इशू को एड्रेस करेंगे। ही विल मेक इट अ पॉइंट कि मुझे पता हो एग्जैक्टली आंसर्स एंड देन ही विल कैरी ऑन। सो दैट वाज लाइक अ थिंग इन द हाउस। मैं इनसे बिहाइंड द कैमरा भी इस बारे में बात कर रहा था। आई थिंक कूडोस टू योर पेरेंट्स यार, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो वो स्पेस देना भी, एंड मैंने अपने पेरेंट को रिसेंटली थैंक किया इस बारे में कि वो स्पेस देना भी, हमारा ओपिनियन मैटर करता है, हमारा तर्क रखा जाएगा या रखने दिया जाएगा और हड़काया नहीं जाएगा, इस बात के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। I'm sure आप उस परिवार से आते हो तो you know exactly what I'm talking yes. about, right? In fact, पापा ने मुझसे एक चीज बहुत interestingly, I want to give it out to everybody. अब मुझे ज़्यादा realize होता है कि such a privilege, because professionally, in my professional career, मेरे parents ने कभी भी मेरे behalf पे कोई conversation नहीं किया. And I mean it. And मैंने acting बहुत छोटे उम्र में start की थी. तो of course, एक coordination जो initially है, you know, कि आपको साथ में जाना है and all that stuff, that's different. Yeah. But उन्होंने मेरे बिहाफ पे कोई कॉल्स नहीं लिए कि यार ये मेरा डिसीजन है, ये ऐसे होना चाहिए या ये वैसे होना चाहिए। एंड पापा वो रोज सिट मी डाउन एंड से कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो घूम फिर के ना बात यही हो जाती थी कि नाउ यू हैव टू हैव एन ओपिनियन। नो, यू आर अ 15 ईयर ओल्ड मेकिंग अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। या सो देन इट्स लाइक यू हैव टू हैव एन ओपिनियन। एंड देन कई बार आई वुड से रैंडम बुलशिट आल्सो, ऐसा नहीं है। एंड देन पापा वुड से हां बेटा ये भी ऐसा है, बट इसको थोड़ा ऐसे देखो। मैं बहुत मजे की बात बता रही हूँ, 10-12 साल की उम्र तक मुझे नहीं पता था लड़कों एंड लड़कियों में ऐसा कोई माइंडसेट वाला डिफरेंस होता है। Really? I mean it. मैं 10-12 साल की थी, मेरे दो तीन बार, और भाइयों जो, मैं तो मुक्का मुक्का मार के आ जाती थी। हाँ। या, मैं वैसे तो बहुत बहुत साइलेंट एंड बहुत सब कुछ, बट मुझे जैसी अच्छा, ऑफ कोर्स सामने वाले बंदे के दिमाग में ये हो सकता है कि मैं तो लड़का हूँ, राइट। अब मैंने घर पे ये सीखा नहीं है और मुझसे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आई एम द गाय या मम्मा, एक वो वैसे वाला डिफरेंस नहीं आया। मेंटल, सी ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आप नहीं हटा सकते, वो आपको सिखाने भी चाहिए बिकॉज़ यू कांट सडनली अटेम्प्ट टू बी समथिंग यू आर नॉट, राइट। बट ये नहीं था कि मैं लड़का हूँ तो ऐसे होगा या मैं डिसीजंस लूंगा, वो हमारे घर में था ही नहीं। तो मेरी कजिन्स या स्कूल में जब लड़ाई होती थी ना, तो ऑफ कोर्स स्कूल में थोड़ा आई एम द गाय, मैंने कहा सो व्हाट, मैंने कहा अच्छा है तू लड़का है, मैं लड़की हूँ, मैं क्या करूँ, बहुत बढ़िया यार। सो मेरा रिएक्शन टू दैट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरे लिए वो ऐसा नहीं था कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मेरे लिए वो जेन्युइन था। मुझे सच में नहीं पता था कि ये अलग हो सकता है। देन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होना स्टार्ट होता है, फिर यू गो लाइक ओ ऐसा भी होता है। तो ये बताओ, आप ये बता रही थी कि कैसे स्कूल में आप गुंडी टाइप की थी। अब आपने ऐसा कह दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं मैं एक्चुअली बहुत शांत टाइप थी, बट
मुझसे कोई फ्री फंड में पंगा नहीं लेता था। बोलते हुए भी कर रही हो ऐसे। सही है, सही है। सी योर बॉडी लैंग्वेज ऐसी है बचपन से। सो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन व्हिच केम टू दिस बीइंग ऑफ योर्स। आई लव इट, इट्स अमेजिंग। फेमिनिन मैं हमेशा से आई लाइक बीइंग फेमिनिन, मतलब मुझे अच्छा लगता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स, बट ये कि ये लड़का है इसलिए ऐसा है और इसलिए ऐसा होना चाहिए। सी आप ऐसे हो जैसे भी हो, आप इंसान हो, आपकी मर्जी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस, मोर देन एनीथिंग एल्स, बट आप यू आर बाउंड टू बी अ सर्टेन वे, ये नहीं था प्रिंसिपल, दिस वाज नेवर देयर। तो क्या आप इनिशिएट करती थी रोमांटिक कन्वर्सेशंस या आस्किंग पीपल आउट एटसेट्रा? नहीं, आई एम वेरी शाय। रियली? या वेरी शाय। तो ये मैच्योर सेल्फ एंड लाइक कॉन्फिडेंट सेल्फ कहां से आया? ये काम तक रिलेटेड है। हां, क्या ये काम तक रिलेटेड है? ये मेरी अपनी फिलॉसफी एंड मेरी थिंकिंग एंड प्रिस्पेक्ट उस तक रिलेटेड है। रोमांस क्या बात कर रहे हो? नो, किधर ज्यादा ये कॉन्फिडेंस? लाइक आई एम कॉन्फिडेंस नहीं, आई एम जस्ट शाय एंड आई थिंक आई एम शाय बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है। सो आई एम वेरी स्टीरियोटाइपिकल वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो, मुझे ऐसा लगता है जैसे ओके आई एम नॉट समबडी, ओके इसको डेट किया देन उसको डेट किया देन इसको डेट किया, ये नहीं है हमारा फंडामेंट। हमारा फंडामेंट इज ओ गेट टू नो दिस पर्सन, ओ इज दिस पर्सन। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग दैट गोज इनटू इट। सो आस्किंग समबडी आउट इज नॉट वेरी सिंपल फॉर मी। Going out with somebody is also not very simple for me. Like I will think a lot about it, you know. Which I'm is like, fair. Yeah, which is. TV industry में मैंने जितना काम होते हुए देखा है, या film industry में भी, काफी हद तक हमारे sets patriarchal तो हैं ही। तो ये दिखता था कि आपको होते हुए set पे या कहानियों में भी जो आप जिनकी हिस्सा थी। Directors हमेशा men होते हैं। ये beginning में एक मतलब director बोला तो मेरे दिमाग में एक बंदा ही आएगा। Male figure ही आएगा। ये फैक्ट है कि आपकी मेजर यूनिट आर गाइज, राइट? बट इसका एक सी हर बिजनेस का या हर फिनोमिना का एक रीज़न होता है। कहीं ना कहीं आपको फिल्म इंडस्ट्री के बिगनिंग में जाना होगा, जहाँ कोई चाहता ही नहीं था कि उनके घरों की बेटियाँ आके फिल्मों में काम करें। तब तो वो एट्रीब्यूशन ही गलत थी ना, औरतों के साथ जो फिल्मों में काम करती है उनको कुछ अलग नाम दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप उस थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, तो देश आज़ाद होने के बाद भी 70 साल लग गए ना बहुत कुछ चेंज होने में, राइट? तो फिल्म इंडस्ट्री अगर तब शुरू हुई है जिसमें कुछ चेंजेस होते होते ही आएंगे, तो वो चेंज करना इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑल्सो बिकॉज इनिशियली जब लोग ही नहीं आना चाह रहे थे, तो आप उनको घर में जाके खींच के तो नहीं लाओगे ना कि नहीं भाई तुमने डायरेक्ट करना है। करेक्ट, राइट? एंड जनरली महिला वर्कफोर्स नहीं थी किसी भी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो माइंडसेट ही नहीं था। आई जस्ट थिंक दैट ये मेरा एक प्रिंसिपल फंडामेंट है। Biologically and naturally, men and women are not supposed to conflict each other. They are not meant to conflict each other. They are meant to complement each other, right? अगर men and women में ही ये जंग छिड़ जाएगी कि हम में से superior कौन है, we will land up in crisis, right? And feminism is not about a conflict. Exactly. Now, when feminism comes into the picture, we are trying to say कि 10 लोगों में से 8 लोगों को अगर ये लग रहा है कि उनको कई काम करने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि दे आर गर्ल्स, दैट्स रॉन्ग। अगर आप डॉक्टर हो, से मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हैं, हमें किसी एक हॉस्पिटल में जॉब है जहाँ पे हम दोनों जाते हैं, राइट? एंड देन आई से कि मुझे इतने मार्क्स मिले आपको, आपका सारा मेरा प्रोफाइल आपसे बेटर होता है, राइट? तो अब जॉब लड़का या लड़की को नहीं मिलना चाहिए, जॉब प्रोफाइल को मिलना चाहिए। बहुत सही बात है। दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स अ बेसिक एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर, राइट? दैट हैज कि आप कितने केपेबल हो। आप केपेबल हो, आपको वो जॉब मिलना चाहिए। हाँ, कोई आपको इसलिए मना कर रहा है बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड वो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जा रहा है, दैट्स रॉन्ग। बट इन टोटैलिटी फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप फीमेल्स के दिमाग में ये फीट करो कि वी हेट मैन, वी कान, यू आर सपोज टू बी कॉर्डियल। लेकिन ये प्रेजुडिस है ना कि दो महिलाएं एक्स वाई जेड चीजों पे लड़ेंगी या डिसएग्री करेंगी या वुमेन कांट सपोर्ट टू वुमेन, ये सब अपचोदियां होती हैं। Anjali is like going, बिल्कुल नहीं, बहुत साल हो गए भाई, हमारी एक्चुअली लड़ाई नहीं हुई। एंड ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज शी इज माय पब्लिसिस्ट, हम लगभग रोज बात करते हैं जी, राइट? एंड मतलब आप बहुत बात करते हैं। हम बहुत बात करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत बात करते हैं, बट बहुत कॉर्डियल। व्हिच लीड्स मी टू वुमेन फ्रेंडशिप्स, वो कितनी जरूरी है। ऑर्गेनिक है, कैसे नहीं हो सकती है? मुझे तो कैट फाइट समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ये जो वर्ड है ना कैट फाइट, ये मेरी लाइफ में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट आई मीन टू से लोग बहुत हाईलाइट कर देते हैं कुछ चीज़ों को, एंड वो इसलिए भी करते हैं बिकॉज वो 2 मिनट का जो रस आता है ना, सेडिज्म एंड गॉसिप प्लेजर, वो बहुत सारे लोगों को बहुत बैडली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सही बात है, फेयर इनफ। ये बताओ दिखाएंगे ना कि आपको शादी वादी की बातें ताने वाने नहीं आ रहे अभी तक?
अभी तक तो नहीं। टचवुड, चलो अच्छा है, वी विल मूव ऑन वेरी क्विकली फ्रॉम देयर। मेरी मम्मा को ये टॉपिक बहुत पसंद है। अच्छा, उनको पसंद है क्या? तो आओ, आपकी माँ के लिए इस पे दो मिनट वार्तालाप कीजिए। उनका फेवरेट टॉपिक है। क्यों ऐसा? शुभी की शादी ना, और ये शादी और मेरे दिमाग में ऐसा लगता है मैं कॉटन लगा लूं, बिकॉज मतलब वो अपनी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस आपके साथ शेयर करती होंगी ना? नहीं, वो हर किसी के साथ शेयर करती है, वो सिर्फ मेरे साथ शेयर कर रही होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। वो हर किसी के साथ शेयर कर, बट शी इज वेरी क्यूट, वेरी अडोरेबल। ये बताओ, आपका एक जो बिग बॉस 9 में आप आई थी, उसके बाद ऐसा परसेप्शन बन रखा है कि आप बहुत आलसी हैं, क्या सीन है? मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया था, ओके? मैंने पहले भी आपको ये बताया। सो यू रिकॉग्नाइज योर प्रिविलेज देयर दो? या आई डू रिकॉग्नाइज इट, एंड अब मैं सडनली बिग बॉस में हूँ, मुझे कोई चाय बना के नहीं दे सकता। अच्छा, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल दूँ कि आप प्लीज मेरे लिए, ये मेरी आदत में नहीं है, बचपन से नहीं किया, बिकॉज मम्मा पापा ने करने भी नहीं दिया। वो एक एंड वो ऐसे जता के नहीं करा उन्होंने, कभी भी उन्होंने मुझे जताया नहीं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये तो हमारे होता ही नहीं है। ओके, उन्होंने किया एंड मुझे आदत पड़ गई, ऑफकोर्स। यू नो, मैंने कहा भाई यार चाय खुद बनाओ, पराठे खुद बनाओ, ऐसे बहुत सारे कारपेट्स थे वहाँ पे जो खुद साफ करो। मैंने कहा क्या हो रहा है जिंदगी में। सो इनिशियली तो आई गॉट रियली रियली टायर्ड, यू नो, टू बी वेरी फ्रैंक। तेलुगु इंडस्ट्री में हमने सुना भी और कई बार आया भी है, दूसरी आर्टिस्ट ने ओपनली कहा है कि थोड़ा ज्यादा सेक्सिज्म है, ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया? कभी नहीं। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, हम हीरोज की बात कहते हैं ना कि उन्होंने सिक्स पैक एब्स बनाए हैं और उनका एक बेयर बॉडी शॉट, लाइक बेयर चेस्ट शॉट है, आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो ना, कर रहे हो, राइट? अब आपकी स्टोरी ऐसी है कि द वेमेन इज ऑल्सो गोना बी ऑब्जेक्टिफाइड, तो इसमें डिफरेंस कहाँ है? यू आइदर लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ पर्सनल चॉइस, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं हो। हाँ, आप बोलो कि मैं कहानी बना रही हूँ भगवान जी की और मैं उसमें कुछ अनशन करना स्टार्ट कर दूं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन आपके दिमाग में कुछ फॉल्ट है, फिर आप मत बनाओ। आई एम वेरी फेमिनिन, मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, यू नो, आई रियली केयर अबाउट एस्थेटिकली करेक्ट होना, ये ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, या मेकअप है, व्हाटएवर मेकअप है, मुझे पसंद है, राइट? एंड आई थिंक इट्स अ क्वालिटी, राइट? फेयर इनफ। ओके, मेरे इनफैक्ट मेरे पापा को भी बहुत फर्क पड़ता है, मेरे बाल में जेल लगाया है, ठीक है, नहीं है, दैट्स पापा फॉर मी, राइट? अब अगर मुझे रियल लाइफ में ये पसंद है, राइट, एंड ये प्रेफरेंसेस जनरली लड़कियों में देखी जाती हैं, तो वो फिल्मों में भी होंगी ना, ज़्यादा क्राफ्टेड होंगी, ज़्यादा थोड़ी एम्प्लीफाइड होंगी, थोड़ी एम्प्लीफाइड होंगी, बेस्ड ऑन आप लार्जर देन लाइफ फिल्म बना रहे हो तो फिर लार्जर देन लाइफ होगा। आप एक बहुत गाँव की कहानी बना रहे हो तो आप खुद को थोड़ा डस्की भी पेंट कर देते हो, ऐसा नहीं है, बट इट द मैटर इज़ कि आप क्या प्रोजेक्ट पर काम कर और आप क्या रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम आज की फिल्मों में शॉर्ट्स पहनते हैं तो इसलिए पहनते हैं ना क्योंकि लोग भी तो पहनते हैं जहाँ की कहानियाँ हैं। लोग पहनना बंद कर देंगे, फिल्मों में भी आना बंद हो जाएगा। Also, shorts comfortable है यार। What I'm trying to say is कि अगर आप उस टाइम पे जाओ जहाँ पे शुरुआत शिकार करना है तो मैन वुड डू, एंड उस शिकार को कुक करने का काम वेमेन वुड डू, यू नो, ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो ट्रांसलेट होते होते इस पे आ गया कि फैमिली में अर्न कौन करेगा एंड वेमेन वुड टेक केयर, बिकॉज किसी को तो करना है ना यार, कोई तो करेगा। इनफैक्ट कई फैमिलीज है जहाँ पे वेमेन मेक मनी एंड गाइस वांट टू सॉर्ट ऑफ हाउस हस्बैंड्स, करेक्ट 100%, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, वो आपकी अपनी केमिस्ट्री है। सी, ये भी ट्रू है कि अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना, बट एज अ फादर आल्सो ना, व्हाई नॉट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या तो अगर आप दोनों ही वर्किंग है तो भी यू फाइंड अ वे, what should men stop telling women? That they're men and they're women. They should just be, not strike that conversation at all. And which other women would you like to see on The Male Feminist? I don't know, Vidya Balanji. How did you like this conversation? I loved it. Good. I think मैंने ऐसे carpet पर बैठकर किसी के साथ चाय पीते हुए कोई interview नहीं किया तो मुझे तो बड़ा मजा आया। Thank you so much. ऐसा और होना चाहिए। I think that's the best. Yeah, yeah, yeah. I think that'll change the way we look at things. But thank you for being on The Male Feminist. Thank You've been so kind. Much. Can I give you a hug? Yes. Thank you. Thank you for having me.